ये हम नहीं करते, पवित्र आत्मा की दवाइयां देते हैं लोग यहाँ के, संपूर्ण कंप्यूटराइज वो थोड़ी देर इन सबको निकालो एक बार जूम करके दिखाओ और कितनी दवाइयां वो भी दिखाओ, खोल के दिखाओ, लाइव भी दिखाओ, देख पा रहे हो कितनी दवाइयां, कितने एक्सरे। और लोग कहते हैं कि चर्च में जाने वालों से ना पैसे लिए जाते हैं, कुछ एक लोग मेरे खिलाफ में रिपोर्ट करने के पैसे लेता लालची है, लोग भी है, कितने रुपए इन्होंने लगा दिए डॉक्टरों के पास, यानी कि अगर फाइल सारी चेक कर ली जाए ना एक घंटे से पहले इनकी फाइल ही चेक कर सकते हैं, कितने रुपए की दवाई दी होगी इन्होंने, कितने एक्सरे हैं इनके पास, ये सारे एक्सरे, ये सारी रिपोर्ट, कितनी दवाइयाँ ले रहती है। हर एक पर्सन के अंदर बीमारी है और आज ये सारी बीमारियां मैं यीशु के नाम से खत्म करता हूँ। ये कितने दिन से आप बीमार चल रहे थे, सुन पा रहे हो, 40 साल से बीमार है और ये इतना पूरा मेडिकल तारीफ करो करने से, कितने पैसे लगा दिए आपने, कितने लगा दिए, पूरे कहते कि पता नहीं 20 लाख लगाए थे, 5 लाख पूरे पूरे जितनी जमीन जायदाद सब बेच के लगा दिए और नहीं ठीक हुई। जिस दिन मैं आपके घर में गया उस दिन आप बीमार थे, सुन पा रहे हो, फेफड़ा खत्म था जिस दिन इनके घर पे गया और मैंने प्रेयर करी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से इसको धो दिया और शुद्ध और पवित्र कर दिया, इसका फेफड़ा बिल्कुल ब्लेस है। क्या आप मेरे को पहले से जानते थे, आप इस चर्च में कौन सी बार आए हो, दूसरी बार आई है, तारीफ करो। जिस दिन मैं आपके घर पे यीशु के नाम से गया उसके बाद आपने दवाई दी, आपके सामने 40 साल से परेशान थी, ये इतने एक्सरे इतनी दवाइयां आप देख रहे हो ले रही थी, 40 साल का टाइम थोड़ा नहीं होता और आज ये दूसरी बार आई है और आपके सामने गवाही दे रही है। जिस दिन हम इनके घर पे गए इनके ऊपर लेन प्रेयर की उसी दिन से परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और कोई दवाई नहीं ले रही है और बिल्कुल आजाद हो। तारीफ करो सर, सही बात दूसरी आओ भाई साहब, आप भी आओ, सांस की बीमारी भी थी, सोचो वो परमेश्वर इतना तड़पता होगा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता कि ओए आरे और थके हुए लोगों मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तारीफ करो, तो इन लोगों को क्या बताते हो, हमारे चर्च में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और भी लेके आए हैं, तारीफ करो। अच्छा कुछ एक लोग ये बात तो कहते हैं कि ये पैसे दे देता है फिर दवाई देता है, आपको कितने पैसे दिए दवाई के लिए, कुछ नहीं दिया, तारीफ करो। आपकी गरीबी खत्म की जाती है, आपकी बीमारियां खत्म करने वाला परमेश्वर है, हमारे आने से नया जीवन मिलता है। जो जी इतनी पोथी इनके पास की है, आज ये पहली बार आए हैं, इनके लीवर में गांठ है, रसौड़ी है, सांस की बीमारी है, पीलिया है, आंखों में भी दिक्कत है, काला मोतिया है, गले में भी दिक्कत है, सारे तो आज ठीक है, आज ठीक है, दवाई बंद, दवाई बंद, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, उसके लहू की ताकत से, उसके लहू की ताकत से, आज ये ब्लेस है, आज ये ब्लेस है, सारे को आमीन, 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 जो आपका कार्य करता है, अब एक आइए बताना है कि
खत्म होती है, आज मैं खत्म करता हूँ इसका यीशु की ताकत से, ठीक है। और ये कहता है कि चलते हैं तो सांस में दिक्कत आती है, चल नहीं सकते, चक्कर आते हैं, आज ये खाली नहीं वजन लेके चलेगा। दवाई में कितनी दिखाओ, देसी और अंग्रेजी दवाई भी लेके आए हैं। मैं कहता हूँ परमेश्वर के नाम से दुआ लो, दवाई की छूट दी। आज जो इसको फ्रेश करेगा, आज हम इसको खाली नहीं वजन लेके चलाएंगे।